एक तरफ जहां आज पूरे देश में तिरंगा शान के साथ फहराया जा रहा है और तिरंगे को सलाम किया जा रहा है, वहीं अंबाला में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान तिरंगे का अपमान होता नजर आया। जी हां, जिसके बाद कांग्रेस की पूरे अंबाला में फजीहत होती नजर आ रही है। बता दें कि अंबाला से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी वेणु अग्रवाल एक कार्यक्रम में तिरंगा फहराने के लिए पहुंची थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद जब उनसे तिरंगा नहीं फहराया गया तो उन्होंने रस्सी को इस तरह से खींचा कि तिरंगा सीधे आकर नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद नीचे खड़े लोगों ने तिरंगे को संभाल लिया और कांग्रेस की इस नेत्री ने तिरंगे को हाथ में पकड़कर ही तिरंगे को सलामी दी। लेकिन इस पूरे वाक्य के बाद पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में भी कांग्रेस की किरकिरी होना लाजमी बताया जा रहा है।